ये है बीनस लाइट ट्रैप, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग मांसाहारी पौधा जो कि कीड़े मेंढक छिपकली सब खा जाता है। इसकी पत्तियां कुछ ऐसे दो हिस्सों में खुली रहती हैं। फिर जैसे ही कोई मासूम जानवर इसकी गुलाबी पत्तियों पर बैठता है और इन लाल बालों को टच करता है तो पत्तियां एकदम से बंद हो जाती हैं और फिर असली खेल शुरू होता है। ये प्लांट डाइजेस्टिव एसिड रिलीज कर देता है। ये एसिड उस जानवर के छोटे छोटे पीस कर उसे एक सूप बना देता है और फिर उसे पीकर अगले शिकार के लिए खुल जाता है। और वैसे मैंने देख लिया, तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी कर लो। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सिस्टम की बजा डाली। हाँ, तो सबसे पहले एक आदमी एक रेस्टोरेंट में गया। फिर वहाँ के वेटर ने उससे पूछा कि सर आप क्या लोगे, तो उस व्यक्ति ने कहा नथिंग। तो भाई वो वेटर नथिंग लिख के ही ले आया और साथ में 2200 का बिल भी। बाय बाय। नेक्स्ट, एक मम्मी ने अपने बेटे से कहा कि बेटे घर के बाहर पैर मत रख दियो, ना घर में आने ही ना दूंगी। तो इस बेचारे बच्चे ने बस पैर ही बाहर नहीं रखे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। चाचा के हाथ में ये जो प्लांट है, इन्होंने आखिरी बार इसे पानी 1972 में दिया था और फिर इस बोतल को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। और ये पौधा आज तक जिंदा है, मतलब लगातार 50 सालों से ये पौधा इस बोतल में मस्त बड़ा होता जा रहा है। दरअसल इस बोतल के अंदर एक छोटा सा इकोसिस्टम बन चुका है। इसकी खाद में जो बैक्टीरिया है वो उस जार के डेड प्लांट्स को खाकर जी रहे हैं और प्लांट से निकली ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी मदद से ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। क्योंकि कांच की बोतल होने की वजह से इसे सूरज की रोशनी मिलती रहती है। इसका मतलब ये दुनिया के अंदर एक और छोटी दुनिया है। दुनिया का सबसे मजबूत गिलास जिस पर है, गोली मारने से खुद गोली ही टूट जाती है। इसे प्रिंस रूपर्ट्स ड्रॉप कहते हैं। जब कांच को पिघलाकर ठंडे पानी में टपकाया जाता है तो ठंडा पानी लगातार इस गर्म कांच को ठंडा करता रहता है, जिसकी वजह से इस गर्म कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है, मगर इसकी पूंछ से इसको तोड़ा जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।